आज हम सिंगरौली जिले के चितरंगी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आए हुए हैं। आज चितरंगी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नेत्र शिविर का आयोजन किया गया है। आप देख सकते हैं, कैमरामैन से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो है मरीजों की तरफ कैमरा को घुमाएंगे। ये सब नेत्र का जो है परीक्षण कराने यहाँ आए हुए थे और यहाँ कुछ डॉक्टर हमारे साथ बने हुए हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं कि कितने लोगों का परीक्षण किया गया, कितने चिन्हित हुए हैं और कितने लोगों को चित्रकूट जो है नेत्र ऑपरेशन के लिए भेजा जा रहा है। आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चितरंगी में आयोजित नेत्र शिविर में 350 मरीज नेत्र रोगी आए, जिसमें से 52 मोतियाबिंद के मरीज सेलेक्ट किए गए हैं। इनको निःशुल्क चित्रकूट भेजा जा रहा है। वहाँ इनका ऑपरेशन होगा, लेंस लगाया जाएगा इनकी आंख में और इनके आने जाने खाने पीने की सभी सुविधाएं सब निःशुल्क रहेंगी चित्रकूट जिला चिकित्सालय और नेत्र चिकित्सालय के सहयोग से। कितने लोग चिन्हित किए गए हैं? 52। देखिए, इनके द्वारा बताया जा रहा था कि यहाँ लगभग 350 मरीज आए थे जिनका परीक्षण किया गया, लेकिन चिन्हित में 52 मरीज पाए गए हैं जिनको मोतियाबिंद है और जिनको निःशुल्क सेवा में चित्रकूट ऑपरेशन के लिए भेजा जा रहा है। आने जाने की भी सुविधा इनकी है, यानी उनको बिल्कुल निःशुल्क है पूरी तरह से। हमारे साथ और बने हुए हैं, आइए इनसे मुलाकात करते हैं कि ये क्या कहते हैं इस मोतियाबिंद के ऑपरेशन के संबंध में। मेरा नाम सर्वेश्वर मिश्रा है, ऑप्थाल्मिक असिस्टेंट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बैरदा। यहाँ आज 21 तारीख को, हर महीने की 21 तारीख को सामुदायिक चितरंगी में हम लोग मतलब चित्रकूट की तरफ से निःशुल्क मोतियाबिंद का शिविर लगाया जाता है और उसमें जितने भी मरीज आते हैं तो जो ऑपरेशन करने योग्य मरीज होते हैं उनको चिन्हित करके निःशुल्क बस द्वारा चित्रकूट भेजा जाता है। वहाँ उनके खाने पीने रहने की लेंस दवाई सब फ्री रहता है और ऑपरेशन करने के बाद उनको फिर जैसे चितरंगी से ले जाएंगे तो चितरंगी तक उनको छोड़ दिया जाएगा। देखिए, आप देख रहे थे, इनका कहना है कि जितने मरीजों का जो है चिन्हित किया गया है उनको चित्रकूट अपने वाहन से भेजा जाएगा और वहाँ इनको लेंस प्रत्यारोपण होगा और फिर निःशुल्क सेवा इनको घर वापस कर दिया जाएगा। हमारे साथ कुछ मरीज हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं कि ऐसा तो नहीं कि कुछ पैसे का भी लेन देन हुआ हो, इनका क्या कहना होगा। आइए, अभी आपका भी जो है चिन्हित है, ऑपरेशन करवाने जा रही है आप। अच्छा, ये बताइए, आपसे कुछ यहाँ हॉस्पिटल के लोग कुछ पैसा वैसा मांगे हैं? नहीं, सेवा आपसे कुछ आप बताइए। मैं यहाँ पर पैसा तो कोई नहीं। देखिए, हम मरीजों से बात की है, मरीजों का कहना है कि 1 रुपए नहीं लग रहा है, फ्री में चित्रकूट इनको भेजा जा रहा है लेंस प्रत्यारोपण के लिए। यहाँ लगभग 52 मरीज चिन्हित किए गए हैं जिनको आज निजी वाहन बस के द्वारा जो है चित्रकूट भेजा जाएगा। लेंस प्रत्यारोपण के बाद इनको पुनः चितरंगी ले आके पहुंचा दिया जाएगा। आज जो आपको खबर हम दिखा रहे थे, ये सिंगरौली जिले के चितरंगी तहसील चितरंगी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का में नेत्र शिविर का आयोजन किया गया था। कैमरामैन कंचन द्विवेदी के साथ मैं प्रदीप तिवारी, टुडे 24 न्यूज।